ध्यान दीजिए। रिक्टर कहते हैं या फिर रीचर स्केल कहते हैं, दोनों एक ही स्केल। देखिए 1935 में यूएसए में चार्ल्स फ्रांसिस रीचर ने एक स्केल इजाद किया और अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी के मेजरमेंट के लिए ये स्केल बनाया, जिसपे इन्होंने कुल 9 यूनिट्स रखी। अर्थक्वेक्स के मैग्नीट्यूड्स के मेजरमेंट के लिए इन्होंने 9 यूनिट्स रखी। पहले यूनिट के विषय में इन्होंने कहा कि इससे इंटेंसिटी उतनी होगी जब आप 170 ग्राम टीएनटी ले, ट्राइनाइट्रोटाइलिन विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है, उनसे जितना विस्फोट कराएंगे आप उनको, विस्फोट से जितनी इंटेंसिटी होगी वो पहले की होगी। और इन्होंने कहा कि इसके बाद जितने भी यूनिट है सब उनसे 10 टाइम्स पिछली वाली से बढ़ जाएगी। तो स्केल बनाया इन्होंने, रिचर स्केल लिखे। इट वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स फ्रांसिस, चार्ल्स फ्रांसिस रीचर ऑफ यूएसए इन 1935। There are nine units, underline कीजिए, 9 units on this scale, for measurement of magnitude, ऑब्लिक करके लिख दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ द स्केल, इज इक्वल टू 170 ग्राम टीएनटी एक्सप्लोसिव, तो 170 ग्राम टीएनटी से जितना विस्फोट होगा वो पहली यूनिट की तीव्रता मानी जाती है। सो स्केल वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ऑफ यूएसए। अर्थक्वेक शैडो जोन, ध्यान दीजिए। सिज्मिक वेव्स आर पी एस एंड एल, तीन प्रकार के सिज्मिक वेव्स है, पी इज प्राइमरी, एस इज सेकेंडरी, एल इज लॉन्ग सर्फेस। वेलोसिटी ऑफ पी इज मोर देन एस वेव। पी पासिस थ्रू ऑल द मीडियम बट इट पासिस ओनली सॉलिड मीडियम, ठीक है। अब मान लीजिए कि यह आता है और यहां से अर्थक्वेक्स के इमर्जेंस हुए। आवर अर्थ इज कंपोज्ड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स, तीन परतों में विकसित पाई जाती, क्रस्ट, मेंटल और कोर।
क्रस्ट इज इन सॉलिड स्टेट, मेंटल इज इन मॉल्टन एंड सेमी मॉल्टन स्टेट, और कोर का भी जो अपर सेक्शन माना जाता है वो माना जाता है कि दैट इज इन सेमी मॉल्टन स्टेट। तो यहां पी वेब है, हम मान लेते हैं कि ये कोर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। तो पी वेव की एक टेंडेंसी होती है कि वो तीनों मीडियम से गुजरती है। तो यहां से इसका इमर्जेंस हुआ, इमर्जेंस होके ये इंटरमीडिएट लेयर में आएगी। हाँ, जब भी मैटर के डेंसिटी डिफर करेंगे तो उसका इंपैक्ट सिस्मिक वेव्स पे भी देखने को मिलता है। और तब कहा जाता कि वेव में डेविएशन होंगे ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ मैटर। ऊपर हम सॉलिड देख रहे हैं, नीचे हम क्या देख रहे हैं, लिक्विड देख रहे हैं, सेमी मॉल्टेन देख रहे हैं, और फिर हम क्या देख रहे हैं इनर मोस्ट पार्ट में, कि है तो वो लिक्विड लेकिन डेंसिटी ज्यादा है तो वो कैसा लगता है, सॉलिड लगता है कोर में। अब ये पी वेब है और ये इनर पार्ट में जा रही है क्रस्ट से डेवलप होकर, ठीक है, ये इनर पार्ट में आती है, डेविएशन होता है इसका, डेविएशन होता है, ठीक है, और डेविएट होके फिर ये पास कर जाती है, क्योंकि तीनों माध्यम से ये गुजरती है, मीडियम से गुजरती है। यहां से फिर ये इधर इसका डेविएशन, इधर इसका डेविएशन देखने को मिला, इधर इसका डेविएशन, ये देखिए सब तरफ क्रस्ट की ओर जा रही है। पास हो जा रही है। ये जो इनका डेविएशन देखने को मिल रहा है, इनका डेविएशन देखने को मिल रहा है, तो ये जो एरिया बचा रह गया, क्यों, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, ये जो एरिया बचा रह गया, ये जो एरिया बचा रह गया जहां की अर्थक्वेक्स के सिस्मिक वेव्स नहीं पहुंच पाए, इसी एरिया को शैडो जोन के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि यहां से ही मर्ज होकर जब ये मीडियम में जाने लगती है तो कुछ का डेविएशन यहां हो जाता, कुछ का डेविएशन यहां हो जाता, और देखा गया तो कहा गया कि 105 डिग्री पर ये डेविएट यहां हो। जो इनर पार्ट में आ गई, वो इनर पार्ट से निकलकर फिर इधर जब सॉलिड में जाने लगी, कोर में जाने लगी, तो ये इसका डेविएशन ये देखने को मिला। तो यहां पर ये माना गया कि 145 डिग्री का है। सो बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री यहां पर कहा जाता कि सिस्मिक वेव्स के इंपैक्ट नहीं आते, और इसी जोन को शैडो जोन कहा गया, शैडो जोन कहा गया। ये पी वेव के विषय में आप देख सकते हैं, पी वेव। जब एस वेव को देखेंगे तो दे आर पासिंग थ्रू सॉलिड मीडियम ओनली, ध्यान दीजिए, एस वेव को देखेंगे तो ये केवल सॉलिड मीडियम से गुजरती है, और इंटरमीडिएट लेयर कैसी है, तो मॉल्टेन है, सेमी मॉल्टेन है। तो इनके विषय में कहा गया कि अगर इनका इमर्जेंस है एस वेव का और ये मूव कर रही है इंटीरियर पार्ट की ओर, तो ये इनर पार्ट में इन नहीं करती है, और ये ऊपर से ही, सरफेस से ही इंटरमीडिएट लेयर के इसका डेविएशन देखने को मिलता है, और वो कहते हैं कि 105 डिग्री का ये डेविएशन इनको देखने को मिलता है। तो ये जो एरिया बनता है, ये जो एरिया बनता है जहां की नहीं पहुंच पा रही, ये इसका शैडो जोन हो जाता है, शैडो जोन होता है। तो कहा जाता है कि अर्थ में जहां से इमर्जेंस होंगे अर्थक्वेक्स के, वहां से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक, ठीक है, शैडो जोन बनता है पी तरंगों का। और इसको अगर आप देखें तो 105 डिग्री के बाद का जो एरिया पड़ेगा वहां शैडो जोन बनता है,
तो सैडोजोनी इज दैट एरिया वेयर देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ सिज्मिक वेव्स। क्लियर हुआ? लिखिए, सैडो जोन ऑफ अर्थक्वेक्स, सैडो जोन ऑफ अर्थक्वेक्स आर दैट एरिया where are no impact of seismic waves, are no impact of seismic waves between 105 degree and 45 degree degree there is a shadow zone of seismic waves, shadow zone of seismic waves, or a diagram bana lijiye, एक डायग्राम पी वेव का है शैडो जोन का और एक है एस वेव के शैडो जोन का। तो इसीलिए तो यहीं से डेविएशन हो गया, यहीं से डेविएशन हो गया। नहीं, ये कोर दिखाया ना, ये कोर दिखाया, ये मेंटल को ही, मेंटल के अपर लेयर को ही शो कर रहा है। नहीं समझे? ये जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेंटल पड़ेगा है, मेंटल और अपर कोर दोनों कैसा है, लिक्विड सेमी मॉल्टन, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम में। क्या थी? हाँ, अर्थ का क्रस्ट का वो तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, क्रस्ट का कम है। कौन जाएगा तब ना, मेजरमेंट है तब ना, हम अपने मन से थोड़े कह रहे हैं। लिखे, सिस्मोलॉजिस्ट बनिएगा, थोड़ा सा वहां जाकर काम करिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। सिज्मिक ऐसे लिखिए, अर्थक्वेक बेल्ट, अर्थक्वेक बेल्ट और याद कीजिए आप सरकम पैसिफिक बेल्ट को, दैट एरिया इज एरिया ऑफ इमर्जेंस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज, और जहां पर अधिक वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं, तो अर्थक्वेक्स भी अधिक आए। ये कर लिया ना आपने, ड्रॉ कर लिया। तो वर्ल्ड में सबसे अधिक अर्थक्वेक्स आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो दैट इज इन सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट। लिखिए सरकम पैसिफिक बेल्ट। अर्थक्वेक बेल्ट हेडिंग डालिए, अर्थक्वेक बेल्ट,
अर्थक्वेक बेल्ट और लिखे सरकम पैसिफिक बेल्ट उसी में। सरकम पैसिफिक बेल्ट इज मोस्ट सेंसिटिव एंड बेल्ट ऑफ सेंसिटिव एंड बेल्ट ऑफ फ्रीक्वेंट इमर्जेंस ऑफ अर्थक्वेक्स इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड बेल्ट ऑफ फ्रीक्वेंट इमर्जेंस ऑफ अर्थक्वेक्स फ्रीक्वेंट इमर्जेंस ऑफ अर्थक्वेक्स बिकॉज इट इज एन एरिया ऑफ मोर देन 500 एरिया ऑफ मोर देन 500 एक्टिव वॉल्केनोज मोर देन 500 एक्टिव वॉल्केनोज। तो वर्ल्ड में ये सबसे अधिक अर्थक्वेक्स जोन के रूप में ये माना जाता है सरकम पैसिफिक बेल्ट। दूसरा बेल्ट होता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट वर्ल्ड का 2/3 से अधिक अर्थक्वेक्स वो इसी बेल्ट में आते हैं। ड्रॉ कर लिया। हो गया सबों का। नेक्स्ट है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि वर्ल्ड का 21% अर्थक्वेक्स इस जोन में, और इसी जोन में इंडिया का हिमालय भी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहां ये देखिए आल्प्स माउंटेन है, यहां से लेकर जब आप ईस्ट की ओर जाते हैं तो दूसरे एशियाटिक कंट्रीज ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और यहां म्यांमार के अराकान युमा, और यहां इंडोनेशिया तक जाकर ये पूरा बेल्ट है। इस बेल्ट में न्यू फोल्डेड माउंटेन्स दिखाई देते हैं एंड दे आर इन फॉर्मेशन स्टेज स्टिल, अभी भी ये निर्माण की प्रक्रिया में है, निर्माण हो रहा है इनका। तो कहा जाता है कि अभी भी ये स्टेबल मास के रूप में नहीं है और दे आर
बेल्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ अर्थक्वेक्स। तो हिमालय इसी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लिखिए। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इज एन एरिया ऑफ, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इज एन एरिया ऑफ न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम, इज एन एरिया ऑफ न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम हिमालयन जोन ऑफ इंडिया, हिमालयन जोन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन दिस बेल्ट, हिमालयन जोन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन दिस बेल्ट ट्वेंटी वन परसेंट अर्थक्वेक्स ऑफ वर्ल्ड आर इन दिस बेल्ट। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है जिसमें इंडिया का हिमालयन जोन भी पड़ता है। ड्रॉ कर लीजिए इसे। मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट इन मिड पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अच्छा बना रहे, बना लीजिए उसको पहले, यहां लिख दीजिएगा हिमालय। कौन? अंडमान निकोबार, हाँ इसी बेल्ट में आएगा। हो गया। जापान वाला किस में आएगा? सर्कम पैसिफिक बेल्ट में आएगा। फिलीपींस वाला किस में आएगा? सर्कम पैसिफिक बेल्ट में आएगा। यूएसए का सर्कम पैसिफिक बेल्ट, लिखिए मिड अटलांटिक बेल्ट इज द थर्ड बेल्ट ऑफ emergence of earthquakes located in central part of Atlantic Ocean, located in central part of Atlantic Ocean where magmatic materials are upcoming from interior of earth due to divergent plate margins तो तीन मुख्य बेल्ट माने जाते हैं अर्थक्वेक्स के इमर्जेंस के। सरकम पैसिफिक बेल्ट है,
मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है और मिड अटलांटिक बेल्ट के रूप में माने जाते हैं। इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया का जो हिमालयन जोन है, दैट इज मोर सेंसिटिव जोन ऑफ इमर्जेंस ऑफ अर्थक्वेक देन अदर जोन्स। लिखिए, इन इंडिया हिमालयन जोन, फैक्ट के रूप में नोट कर लीजिए, अलग से नोट करिए। इन इंडिया हिमालयन जोन इज मोर सेंसिटिव जोन ऑफ अर्थक्वेक्स देन अदर जोन्स बिकॉज दिस बेल्ट इज एन एरिया ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। जो दूसरा सर्वाधिक सेंसिटिव जोन इंडिया का माना जाता है, दैट इज ग्रेट प्लेन रीजन ऑफ इंडिया। लिखिए, सेकेंड मोस्ट सेंसिटिव जोन ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, इंडिया इज ग्रेट प्लेन, दिस प्लेन इज इन फॉर्मेशन स्टेज, स्टिल फॉर्मेशन स्टेज स्टिल हिमालयन रिवर्स आर डिपोजिटिंग मटेरियल्स so it is considered as unstable mass of India, land mass of India, unstable land of India, ऐसे लिखे land of India। तो कहते हैं कि अभी भी क्योंकि हिमालयन रिवर्स के द्वारा डिपोजिशन किए जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी यहाँ की नहीं है। और बिहार में इस क्षेत्र में 1934 का अर्थक्वेक सबसे अधिक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक माना जाता है। लिखिए, अर्थक्वेक ऑफ बिहार इमर्ज इन 1934 has been most devastating, earthquake, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये पेनिनसुलर इंडिया है और बिफोर 1967 ये माना जाता था कि दैट इज ए स्टेबल मास ऑफ इंडिया। 1967 के पहले ये माना जा रहा था कि ये जो पेनिनसुलर इंडिया है यहां पर अर्थक्वेक्स की संभावना नहीं है, नॉमिनल। लेकिन 1967 में महाराष्ट्र में कोयना अर्थक्वेक आए और इसके बाद फिर लगातार 1993 में महाराष्ट्र में ही लातूर और उस्मानाबाद के अर्थक्वेक्स आए। फिर 2001 में आप देखिए गुजरात में कच्छ के अर्थक्वेक्स आते हैं। ये सारे ये प्रूव करते हैं कि दिस एरिया इज ऑल्सो सेंसिटिव एरिया ऑफ अर्थक्वेक्स इन इंडिया। तो इसको लैंडमार्क मानते हैं कोयना अर्थक्वेक को, कि इसके बाद से ये माना जाने लगा कि पेनिनसुलर इंडिया इज ऑल्सो नॉट ए स्टेबल
लैंड मास ऑफ इंडिया लिखे। बिफोर कोयना अर्थक्वेक ब्रैकेट में ईयर लिख लीजिए 1967 ऑफ महाराष्ट्र, पेनिनसुलर इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज स्टेबल लैंड मास, कंसिडर्ड एज स्टेबल लैंड मास, बट आफ्टर आफ्टर दिस अर्थक्वेक इट इज कंसिडर्ड एज